पहले आप चीज़ यहाँ का बताइए जो यहाँ की फेमस है और जिसके लिए लोग बाहर इतना यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ का स्पेशल तो मेन है प्याज कचौरी। प्याज कचौरी, आलू प्याज लहसुन का होता है, प्याज कचौरी उसका नाम है। यहाँ सबके हाथ में प्याज कचौरी, यहाँ लहसुन का पेस्ट डालता है, प्याज आलू लहसुन और घेवर है यहाँ का स्पेशल। प्याज कचौरी कितने की है? प्याज के जी 45 पर पीस। 45 पर पीस। Yes. और घेवर 800 रुपए किलो, मलाई वाला घेवर 1 किलो में 2 पीस आएगा। तो अगर हम उसे यहाँ से घर लेके जाते तो कितने दिन हो चलेगा? मलाई घेवर 2 दिन चलेगा बिना फ्रिज, और फ्रिज पर रखोगे 5 दिन चलेगा। 5 दिन चल जाता है। तो यहाँ का जो मेन फेमस है वो प्याज कचौरी और घेवर। घेवर में मतलब क्या आप अलग डाल? दूध रबड़ी से बना हुआ है, केवल दूध रबड़ी से बना हुआ है, जैसे कि मैं फ्राई करके फिर बाद में इसको मीठा करके मलाई लगा के बनाते हैं। तो मतलब आगे घर लेके जाते हैं तो ये 5 दिन फ्रिज में चलेगा, बाहर रखते हो तो दिन। तो चलिए फिर यहाँ की फेमस हम पहले प्याज कचौरी खाते हैं, उसके बाद केवल ट्राई करते हैं। थैंक यू। मैं इस टाइम आई हूँ रावत अस्पताल भंडार। आज मैंने सोचा अपनी सुबह की शुरुआत करती हूँ यहाँ की प्याज कचौरी से। ये रावत मिष्ठान भंडार फेमस है अपनी प्याज कचौड़ी के लिए और अपने घेवर के लिए। तो इसके जो आप अगर आप देखेंगे ये देखिए कितनी क्रिस्पी है और इसके अंदर प्याज की स्टफिंग है। वैसे ये जोधपुरी कचौड़ी है यहाँ की, वरना दाल कचौड़ी और काफ़ी फेमस है। तो लेकिन यहाँ आप आओगे तो यहाँ की जो फेमस है प्याज कचौड़ी है। और ये जो आपका रावत मिष्ठान भंडार है ये जोधपुर में भी है और जयपुर में भी है। तो चलिए मैं एक बार खाकर आपको इसका टेस्ट बताती हूँ कैसा है। गर्म बहुत है, इसके अंदर हींग का और लहसुन की चटनी डाली है, टेस्ट बहुत अच्छा है। आपको चटनी के साथ खाने की जरूरत नहीं है, अपने लिए फुल पैकेज है। चलिए मैं इंजॉय करती हूँ अपनी प्याज कचौड़ी और एक बार नीचे आप भी देखिए यहाँ पर। चलिए तो मैंने अपनी प्याज कचौड़ी काफ़ी इंजॉय करी है, बहुत ही टेस्टी। लेकिन उसके बाद ही मैंने एक और मंगा ली है कि अभी उसे खाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैंने मंगाया है घेवर रबड़ी, थोड़ा सा मीठा हो जाए। और यहाँ का फेमस है, आप खुद ही देख सकते हैं इसके ऊपर की ये सारी स्टफिंग और मावा, वाकई मतलब काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है। लेकिन उसके बाद कचौड़ी मैं फिर से खा कर जाऊँगी क्योंकि उससे मेरा दिल नहीं होता। और उसके बाद फिर हम चलेंगे नेक्स्ट अपनी डेस्टिनेशन पर। चलिए जब तक मैं करती हूँ अपना एंजॉय, मैं मिलती हूँ आपको।